सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने जामताड़ा के लादना डैम में वनभोज का आयोजन किया। लेकिन इस वनभोज की खासियत ये रही कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए, जिसमें सरकार के विधायक इरफान अंसारी तथा विपक्ष के विधायक रणधीर सिंह शामिल थे। मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए और नौका विहार के साथ साथ वनभोज का आनंद उठाया। वनभोज में शामिल इरफान अंसारी ने कहा कि इस तरह का आयोजन का उद्देश्य लोगों को एक जगह एकत्रित करने के अलावे कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उन्होंने आगे कहा कि लादना डैम जामताड़ा के लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है और सरकार इसके लिए गंभीर है, इस जगह का विकास किया जाएगा। इसमें हमने अपने मित्र को ही बुलाया है और मैंने दिखाया कि कितना अच्छा जगह है लदना, इसको हम लोग कैसे विकसित करें। हमारे सहयोगी हैं, हमारे ज़िले के विधायक भी हैं, तो इनका भी पैसा है, चित्रा से पैसा भी आता है, सरकार से भी हम पैसा लड़के लाएंगे और लदना को जो आप देख रहे हैं, जो विकसित जो आप देख रहे हैं, ये मेरे ही देन है। बहुत अच्छा किया हमें, आज देखिए हज़ारों सैलानी यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम इसको और भी मोटर ड्राइव, मोटर बाइक और एक यहाँ पर टापू है, इसको अगली बार हम लोग मिल के जब बैठक में हम ये भी प्रस्ताव देंगे, मैं भी दूंगा और वहाँ पर बहुत अच्छा यात्री शेड बनाऊंगा ताकि वहाँ और लोग वहाँ रहें, वहाँ वहाँ भी टापू में भी पिकनिक करें, तो इसे सैलानी भी आएंगे, सरकार का रेवेन्यू भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, तो एक अच्छा सोच है, यहाँ ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता रणधीर सिंह ने भी कहा कि लादना के विकास के लिए मैं भी फंड दूंगा ताकि यहाँ आने वाले लोग इंजॉय कर सकें तथा ये जगह एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। माननीय विधायक डॉक्टर इरफान साहब के क्षेत्र का काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी हजारों की तादाद में सनाली पर्यटक यहाँ आते हैं, बंगाल पश्चिम बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बगल के जिला देवघर से आते हैं, जामताड़ा से आते हैं, तो नो डाउट यहाँ का विकास अभी माननीय विधायक जी के देख रहे काफ़ी हुआ, आगे भी हम लोगों ने भी प्लानिंग किया है, भारत सरकार और राज्य सरकार से ज़्यादा ज़्यादा पर्यटन विभाग से फंड देकर यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बागवानी की व्यवस्था की जाएगी और बैठने के लिए यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छे शेड बनाए जाएंगे यहाँ पे और कुछ बोटिंग की व्यवस्था यहाँ कराई जाएगी ताकि बोटिंग यहाँ हो, तो हम लोग देवघर जिला के उपायुक्त से जो पर्यटन का जो फंड आता है उस फंड को हम लोग इस बार सोचते हैं यहाँ सारा लगाने का काम हम लोग। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।